हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौनी रॉय के बारे में। वो 2006 से लेकर के 2022 तक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं एंड इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल भी किया जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड मैं उनसे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मौनी रॉय फर्स्ट टाइम टेलीविजन पर अपीयर हुई जब उन्होंने एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया अभिषेक बच्चन की मूवी में। यह मौका उन्हें मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करते दौरान मिला। एक्टिंग इंडस्ट्री में मौनी रॉय की जर्नी काफ़ी लंबी है। उनका जन्म 28 सितंबर 1985 में वेस्ट बंगाल में हुआ। उनके पिता ऑफिस सुपरिंटेंडेंट थे और उनकी मां आर्टिस्ट थी। मौनी रॉय बचपन से ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद वह ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आ गई। वहां उन्हें एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उन्हें डांसिंग और एक्टिंग में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गई। 2006 में काफ़ी फेमस टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में उन्हें रोल मिल गया। उसके बाद उनकी एक्टिंग जर्नी की स्टार्टिंग हो गई एंड उन्हें पीछे मुड़के कभी नहीं देखा। जब उनके एक्टिंग करियर पे थोड़ा डाउनफॉल आया तो उन्होंने डांसिंग पे ज़्यादा फोकस किया। 2018 में ज़रा नच के देखा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसे जीता भी। 2011 में उन्होंने पंजाबी मूवी हीरो हिटलर इन लव में भी काम किया। 2011 में ही उन्हें देवों के देव महादेव में काम मिल गया, जिसके बाद उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। 2014 में उन्होंने झलक दिखलाजा 7 में भी डांसिंग स्किल्स दिखाई, जिसे देखकर सब काफ़ी अमेज्ड रह गए। 2014 to 2017 में उनके करियर में थोड़ा डाउनफॉल आया, जिस दौरान उन्होंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में एज अ साइड एक्ट्रेस काम किया। फिर 2017 में उन्हें नागिन सीरियल में काम मिल गया, जिसके बाद वह हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए 2018 में उन्हें अक्षय कुमार के अगेंस्ट लीड रोल मिल गया गोल्ड मूवी में। अभी ब्रह्मास्त्र मूवी में जब उन्होंने लीड विलेन का रोल करा तो लोगों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स की काफ़ी तारीफ करी। इनफैक्ट लोगों को सबसे ज़्यादा उन्हीं की एक्टिंग पसंद आई। बात करें उन्हें ट्रॉल करने की, तो देखो गाइज, वो जिस इंडस्ट्री में है ना उसकी डिमांड ही यही है। तो इफ़ शी कैन अफोर्ड इट और उन्होंने सर्जरीज कराई है ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट वी एज अ नॉर्मल पीपल शुड नॉट सेट आर ब्यूटी स्टैंडर्ड देयर। लाइक हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं और हम नहीं लग रहे हैं। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट, सो एवरीबडी शुड एक्सेप्ट देमसेल्फ इन दैट वे ओनली। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड ऑल्सो